हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। वैसे टाइटल देख के, थंबनेल देख करके तो आपको समझ में आ गया होगा कि वंस अगेन आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूं मीशो कुर्ता सेट हॉल। ओके, तो यस 100% मैं वही लेकर के आई हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सब कुछ फ्री है, तो जितना हो सके दिल खोल करके मेरे वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। भैया अब हाथ में पकड़े पकड़े हो गया है, बहुत दर्द। रिव्यू शुरू करती हूँ। हाँ, लेकिन रिव्यू शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये अंदर में प्रोडक्ट क्या है वो जब आया तो बस यूं निकाली और देख ली मैं, बट पूरा ओपन करके मैं नहीं देखी हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के सामने ही देखने वाली हूँ। मुझे पता है कि सब में कुर्ता सेट ही है, बट कैसा है वो मुझे भी आप लोगों के सामने ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सुपर से भी ऊपर वाले मीशो हॉल रिव्यू को। मीशो के ऊपर मैं अपना खुद का कौन सा साइज परचेज करती हूँ वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की रहती हूँ। आपको कौन सा, अगर आपका साइज सेम मेरा वाला है तो आपको कौन सा साइज परचेज करना चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। तो एकदम से आप निश्चिंत होकर के एक बार अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाते हैं तो आपको सब कुछ डिटेल मिल जाने वाला है। सबसे पहले जो मेरे हाथ में दोस्तों ये आया है ना, ये मीशो का, मुझे लगता है ये जो सूट सलवार कुर्ता और दुपट्टा सेट है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कुर्ता सेट की। इसके अंदर आपको सलवार कुर्ता और दुपट्टा तीनों मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुर्ता की। स्ट्रेट फिट आपको कुर्ता मिलता है, यानी कि स्ट्रेट फिट लॉन्ग कुर्ता आपको मिलता है, साइड में लॉन्ग स्लिप मिलता है और फ्रंट में स्लिप पे आप देखिए ये गोटा पट्टी हो रखा है, सिल्वर कलर का चुंदरी प्रिंट कुर्ता है। अगर आप फैब्रिक की बात करते हो तो रेयन फैब्रिक आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह का जो है ना, नेक के ऊपर जो है, नेक के ऊपर कुछ इस तरह का जो है ना वर्क हो रखा है, जो सिल्वर के जो धागे होते हैं ना, उस धागे से जो है वो काम किया हुआ है, बहुत फाइन जो है वो काम किया हुआ। थोड़ा सा भी आपको पीछे की तरफ से अगर आप देखते हो, बहुत को होता है ना जो धागे वगैरह निकले रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फाइन देखिए पीछे से आपको। अगर आपके सोचते हो कि नेक के ऊपर ये काम चुभने वाला है तो चुभने वाला नहीं है, बहुत अच्छे से जो है फिनिशिंग के साथ जो है इस नेक के वर्क को किया गया है। फैब्रिक की बात करते हो तो वंस अगेन बता दूं रेयन फैब्रिक है, रेयन में भी बहुत बहुत बेहतरीन फैब्रिक है ये। 3/4 आपको स्लिप्स मिलता है और स्लिप्स के ऊपर भी आपको सिल्वर कलर का गोटा पट्टी हो रखा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का गोटा पट्टी हो रखा है। फ्रंट में कुछ इस तरह का कुर्ता है जो वंस अगेन बहुत 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 खूबसूरत दिखलाता है, कुछ इस तरह का कुर्ता है ये, आप देखिए। ठीक है, लॉन्ग स्लीव है। अब बात कर लेते हैं बैक की, तो बैक कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का चुंदरी प्रिंट कुर्ता है, पिंक कलर का कुर्ता है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो बॉटम का फैब्रिक भी बहुत फाइन रेयन है, बहुत ही फाइन रेयन है। फ्रंट और बैक दोनों में आपको इलास्टिक मिल जाता है, कुछ इस तरह का प्लाजो है ये, सलवार नहीं है, पैंट नहीं है, कुछ इस तरह का प्लाजो पैटर्न में आपको मिल जाता है और नीचे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर भी गोटा पट्टी हो रखा है सिल्वर कलर का, जो कि वंस अगेन बहुत ज्यादा ये फाइन दिखता है, कुछ इस तरह का आपको गोटा पट्टी हो रखा है और नीचे ये जो है आपको चुंदरी प्रिंट में मिलता है और बॉटम आपको लहरिया प्रिंट में मिलता है। ध्यान से सुनिए, कुर्ता आपको चुंदरी प्रिंट मिलता है और बॉटम आपको लहरिया प्रिंट मिलता है, जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा है। ये ऐसा कुर्ता सेट है जो कि आप डेली वेयर में, ऑफिस वेयर में या फिर सिंपल छोटे मोटे गेट टुगेदर में या फिर अगर किसी की शादी हो रही है तो किसी को गिफ्ट करना चाहते हो बजट में, तो ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। साथ में जो इसका दुपट्टा का फैब्रिक है वो भी बहुत बेहतरीन, बहुत फाइन फैब्रिक है दोस्तों, ये बहुत प्यारा एक्चुअली सेट है। मैं आपको सिफोन का आपको दुपट्टा मिलता है और ये कुछ इस तरह का जो है आपको दुपट्टा मिल जाता है। मुझे दुपट्टा का फैब्रिक एक्चुअली बहुत प्यारा लगा है, साइड में आपको इस तरह का सिल्वर कलर का जो है आपको गोटा पट्टी हो रखा है, जो कि वंस अगेन बहुत प्यारा है। बहुत लॉन्ग दुपट्टा नहीं है, मीशो का एक यही माइनस पॉइंट होता है
इनका दुपट्टे का साइज बहुत छोटा होता है, तो ये 2 मीटर का दुपट्टा, अगर आप ये सोच के लेते हो कि 2.5 मीटर का दुपट्टा होगा, तो ये 2.5 मीटर का दुपट्टा नहीं है, 2 मीटर का दुपट्टा है। और कुछ इस तरह से अगर आप रखते हो या फिर इस तरह से रखते हो तो काफी है, वैसे बहुत लंबा दुपट्टा रखता कौन है, है ना। तो ये बहुत प्यारा है दोस्तों, ये जो सेट है ना, ये एक्चुअली बहुत प्यारा है और रेयॉन फैब्रिक में भी बहुत फाइन फैब्रिक है। दुपट्टा तो मुझे इतना पसंद आया, मुझे भी और गोल्डी को इतना पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपका बस्ट साइज़ 34 है तो आप 36 परचेस करें, सेम बस्ट साइज़ का नहीं परचेस करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरा कुर्ता सेट की, और ये कैसा है ये देखती हूँ मैं। ये मीशो का भैया ट्रेंडिंग कुर्ता है, और मैं सोचती थी कि पिछले मतलब 2 बार से सोच रही थी कि मैं इसे लूंगी, और एक्चुअली ये जो अभी आपको दिख रहा हूँ ये तो आप सोचोगे अरे ये तो मैं इंस्टाग्राम पे देखी हूँ, अरे ये तो मैं यहाँ पे भी देखी हूँ, कुछ इस तरह का ही आप इंस्टाग्राम पे भी देखते हो। ये मीशो का ट्रेंडिंग कुर्ता है, तो इसमें भी आपको पूरा सेट मिलता है, यानी कि कुर्ता दुपट्टा और बॉटम के साथ आपको मिल जाता है। ओके, और सबसे बड़ी बात, इसके पहले जो मैं हॉल वीडियो बनाई थी और मैं आपको बोली थी कि फैब्रिक रेयॉन का था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, बॉटम मैं नहीं पहन लूंगी क्योंकि मैं अपना बॉटम जो है मीन्स व्हाइट कलर के बॉटम के साथ पहनी थी। लेकिन मैं जब ये कुर्ता पहन मीन्स देखी हूँ ना, फील की हूँ, इसके पहले वाला जो कुर्ता मैं दिखलाई थी उसका बॉटम बहुत अच्छा था। चलिए, इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, बहुत सारे कलर ऑप्शन, बट मैं थोड़ा ब्लैक के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मैं सोची कि थोड़ा मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ। ब्लैक कलर के फायदे ये है कि अगर आप थोड़े बल्की हो, अगर आपका थोड़ा बॉडी थोड़ा सा फैला हुआ है, तो आप ब्लैक कलर में थोड़े पतले होते हो और सबसे पतले दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक कलर की खासियत ये होती है दोस्तों कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो ना, आपके ऊपर खूबसूरत लगता है बहुत। मीन्स मैं आपको क्या बताऊं, वो बहुत की रंगत अगर कम है और वो सोचती है कि उनके ऊपर ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे कहने पे एक बार ब्लैक कलर आप पहन के देखिए आपके ऊपर कितना खूबसूरत लगता है। जिनकी रंगत कम होती है ना, उनके ऊपर भी ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों ये जो है ना, कुछ इस तरह का पैटर्न है, आप देख रहे हो, कुछ इस तरह का जो है आपको पैटर्न है। नेक के ऊपर पूरे में आपको ये जो है आपको मिरर वर्क है, बट ये कांच वाला मिरर नहीं है, ये जो प्लास्टिक का मिरर होता है ना वो वाला मिरर है, कुछ इस तरह का। और यहाँ पर जो है ना सिल्वर कलर के धागे से पूरे में यहाँ पे नेक के ऊपर काम है, एकदम क्लोज करके मैं आपको दिखलाती हूँ, सिल्वर कलर के धागे से पूरे में काम है। और नीचे कुछ इस तरह के वो लगे ना टैसल्स लगे हुए हैं, पूरे में कुछ इस तरह के टैसल्स लगे हुए हैं। फ्रंट में यहाँ पर एक नॉट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरह का, जो आपको यहाँ पर टाइट करना है तो आप मीन्स यहाँ पे लगा सकते हो। 3/4 स्लिप्स है, और स्लिप्स के ऊपर दोस्तों कुछ इस तरह का सिल्वर का काम हो रखा है, सिल्वर गोटा पट्टी का काम हो रखा है, दोनों तरफ दोनों स्लिप्स में काम हो रखा है, इस तरह का सिल्वर का गोटा पट्टी हो रखा है, आप देख रहे हो ना, कुछ इस तरह का सिल्वर का गोटा पट्टी हो रखा है नीचे तक, आपको मैं दिखा रही हूँ, नीचे तक कुछ इस तरह का सिल्वर का गोटा पट्टी हो रखा है। और यहाँ पर जो है ना टैसल्स लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के टैसल्स लगे हुए हैं, और ये जो गोटा है ना जो लगा हुआ है सिल्वर कलर का गोटा, ये कोई चीप कलर चीप मटेरियल नहीं लगा हुआ है, बहुत फाइन जो है वो गोटा लगा हुआ है। ये एक ऐसा कुर्ता सेट है जो कि आप नाइट टाइम में अगर कोई पार्टी है, नाइट टाइम में गेट टुगेदर है, तो आप उसमें इसको अगर आप पहन के जाते हो तो कमाल लगने वाले हो। बहुत फाइन, बहुत सॉफ्ट रेयॉन है, जो आप इजिली समर में आप इसको पहन सकते हो, जैसे इसके पहले मैं बताई थी वैसे ही आप इजिली इसको पहन सकते हो। बैक पूरा जो है कुछ इस तरह से प्लेन है, और लॉन्ग स्लिट आपको मिलता है, यानी कि स्ट्रेट फिट कुर्ता मिलता है, लॉन्ग स्लिट मिलता है। जिनको अनारकली नहीं पसंद है उन सबके लिए कलेक्शन लेकर के आई हूँ, आई होप कि मेरा ये कलेक्शन आपके काम आए, आपको पसंद आए। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो वंस अगेन बॉटम भी बहुत अच्छे फैब्रिक है, जितना फाइन मीन्स जितना फाइन रेयॉन कुर्ते का था उतना ही फाइन रेयॉन फैब्रिक में बॉटम भी है। कुछ इस तरह का आपको ना थोड़ा सा लूज जो है वो पैंट मीन्स एकदम फिटिंग वाला पैंट पैटर्न में नहीं मिलता है, थोड़ा सा लूज जो है वो आपको पैटर्न मिलता है पैंट का। और नीचे पैंट में कुछ इस तरह के जो है ना
आपको कुछ इस तरह के जो है आपको ये देख रहे हो ना टेसल्स लगे हुए, अब फाइन है, आप इसको आराम से पहन सकते हो जैसे मैं आपको बताई हूँ। अब वन सेकेंड, अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। वाह क्या बात है भैया, मीशो में थोड़ा सा दुपट्टा, सवा दो मीटर का दुपट्टा है भैया, मीशो में सवा दो मीटर का दुपट्टा मिलना तो भाई किस्मत खुलना। तो बहुत फाइन जो है आपको फैब्रिक मिलता है दुपट्टे का, ओके जॉर्जेट फैब्रिक है दुपट्टे का, और दुपट्टा कुछ इस तरह का है हाफ एंड हाफ, यानी कि ब्लैक एंड पिंक का जो है कॉम्बिनेशन है दुपट्टे का। दुपट्टे में साइड में आप कॉर्नर में देखोगे इस तरह के ब्लैक कलर के टेसल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है गोल्डन कलर का आपको गोटा पट्टी हो रखा है, जो कि वन सेकेंड इस कुर्ते को बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो चलिए बस यूं गए, इस कुर्ता को पहनी और बस यूं आकर के आप लोग देखिए कि मेरे ऊपर कैसा लगता है। एक्चुअली सच बोलूं दोस्तों, जब आप लोगों को मैं ये कुर्ता का जब दिखला रही थी ना वीडियो में, तो उस टाइम में मुझे नहीं लगा था कि मेरे ऊपर ये इतना खूबसूरत लगेगा। ये पहनने के बाद इतना स्मार्ट लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, इतना प्यारा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इसके पहले जो पिंक वाला कुर्ता पहनी थी उससे ज़्यादा मुझे कम्फर्टेबल, उससे ज़्यादा क्लासी, उससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये लगा। मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट फील कर रही थी में, तो ये इतना बेहतरीन है कि बिग थम्स अप है। इसको आप आराम से परचेज कर सकते हो, और ये इसका जो मींस क्या मैं बताऊं, गजब का है, सुपर से भी ऊपर वाला है सारे स्किन टोन के लिए, तो जरूर परचेज करें। तो तीसरे कुर्ता सेट की, और तीसरा कुर्ता सेट कैसा है वो देख लेते हैं। भैया अभी तक जो भी दिखलाई हूं ना वो सब मीशो के ऊपर ट्रेंडिंग है, हां, और मैं बस सोच के समझ के आपको दिखला रही हूँ। और ये जो है ये तो मैं पिछले साल से सोच रही थी, लास्ट ईयर से इसको देखती थी मैं, और मैं इसको छोड़ देती थी, नहीं पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो देखती थी और छोड़ देती थी। तो ये ना दोस्तों प्योर रियोन फैब्रिक में है, आपको मिलता है बॉटम जैकेट और कुर्ता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुर्ता की, तो बहुत फाइन रियोन फैब्रिक है दोस्तों। मीशो के ऊपर बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कुछ इस तरह के ब्रांडिंग वाले मिलते हैं, कुछ इस तरह के जो ब्रांडिंग होते हैं बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कुछ इस तरह के ब्रांडिंग वाले मिल गए तो समझिए कि आपका जो ये जो आप कुर्ता प्रोडक्ट जो आप परचेस कर रहे हो बहुत ही फाइन, बहुत ही जेन्युइन और बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो सुपर से भी ऊपर वाला फाइन रेयॉन है दोस्तों, और ये कुछ इस तरह का आपको थ्री क्वार्टर स्लिप्स मिलता है, और स्लिप्स में यहाँ पर जो है ना पैच वर्क किया हुआ है। किसका दिया हुआ है पैच वर्क, जो बॉटम आपको मिलता है उसी प्रिंट का यहाँ पर जो है इसके ऊपर कपड़े के ऊपर जो है एक कपड़ा बॉटम वाला लगाया हुआ है। कुछ इस तरह का आपको नेक पैटर्न मिलता है, नेक के ऊपर कुछ इस तरह के यहाँ पर जो है आपको बटन लगे हुए, तीन बटन आप देख रहे हो ना, तीन बटन कुछ इस तरह का आपको नेक पैटर्न जो है कुछ इस तरह का मिलता है, वन सेकेंड, जो बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। और बैक जो है आपको कुछ इस तरह का प्लेन मिल जाता है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है, और आपको लॉन्ग स्लिट मिलता है। तो बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फाइन रेयॉन फैब्रिक है कुर्ते का। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की दोस्तों। तो बॉटम का वन सेकेंड फैब्रिक, मुझे ना बॉटम को लेकर के मीन्स मीशो के ऊपर मैं बड़ा दुखी रहती हूँ। कुर्ते का फैब्रिक तो फिर भी अच्छा हो जाता है, बट बॉटम फैब्रिक एकदम बेकार। बॉटम फैब्रिक वन सेकेंड रेयॉन है, बहुत प्यारा है दोस्तों। ये प्रिंट है ना कलमकारी प्रिंट है, और कलमकारी प्रिंट ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो साड़ी का हो, चाहे वो सूट का हो, चाहे टॉप हो, मुझे कलमकारी प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। वन सेकेंड इसमें दो तीन कलर थे, बट मुझे ये मरून कलर का जो ये कॉम्बिनेशन था मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं ले ली। बैक और फ्रंट दोनों में आपको रेयॉन मिलता है, सॉरी बैक और फ्रंट दोनों में आपको इलास्टिक मिलता है, आपको प्लाजो नीचे मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको प्लाजो मिलता है। बहुत फाइन कॉट मीन्स बहुत फाइन फैब्रिक है दोस्तों, बहुत फाइन रेयॉन है, आप आंख बंद करके इसके साथ भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जैकेट की, तो कुछ इस तरह का जो है आपको स्लीवलेस जैकेट मिलता है, जो आपको बॉटम का जो प्रिंट है वही सेम प्रिंट जो है आपको स्लीवलेस जैकेट का मिल जाता है। चलिए बस मैं यूं गई और यूं पहन के। दोस्तों जब ये मैं जैकेट का ड्रेस पहनी तो मुझे अच्छा लगा, बट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट मेरी बेटी को मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था, बट मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो बस ऐसा ही लुक है। अब बात
बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की। और ये जो कुर्ता सेट है ये मुझे एक्चुअली कैटलॉग में बहुत सुंदर लग रहा था और मेरे हाथ में आता है तो कैसा है भैया, वाओ वाओ है वाओ। आपके मुंह से ना वाओ वाली वाओ निकलने वाली है। फाइन सुपर से भी ऊपर वाला फाइन कॉटन है दोस्तों, इतना खूबसूरत ये कलर मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ना जब मैं मीशो के ऊपर देखी और कैटलॉग में जब इसको देख रही थी तो मैं इसको देख रही थी, मैं सोच रही थी हे भगवान मीशो के ऊपर मैं कैटलॉग में जो दिखता है बहुत रेयर होता है जो कि आपको सेम टू सेम मिलता है, या तो कलर चेंज होता है या थोड़े से पैटर्न चेंज हो जाते हैं, मीशो का ये प्रॉब्लम है। बट मैं थोड़ा सा दिल के ऊपर हाथ रखे मैं बोली कि भैया ये मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसको मैं परचेस करती हूँ। इतना सॉफ्ट और इतना हल्का फैब्रिक है ना, और कलर ये एक्चुअली मेरे पास नहीं है, ये मेरे जो मेरे वार्डरोब में अगर आप जाते हो ना तो ये कलर का कुर्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कुछ इस तरह के ना पूरे में आपको फ्लावर आपको प्रिंट मिल जाते, कुछ इस तरह के फ्लावर आपको प्रिंट मिल जाते हैं, और फ्रंट में ना आपको यहाँ पर जो है छोटा फूटा यहाँ पर कुछ इस तरह का है ना गोटा पट्टी हो रखा है। ये आपको राउंड नेक मिल जाता है, 3/4 स्लिप्स मिलता है, और स्लिप्स में भी यहाँ पर आपको गोटा पट्टी हो रखा है। स्ट्रेट फिट कुर्ता है, लॉन्ग साइड में आपको स्लिट मिल जाता है, बैक आपको पूरा प्रिंटेड है, गजब 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 है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बॉटम की, तो जो इसका बॉटम है कमाल धमाल बेमिसाल है। यानी कि फ्रंट में आपको मिल जाता है बेल्ट और बैक में आपको मिल जाता है इलास्टिक, बहुत स्मार्ट है। कुछ इस तरह का अगर आपको लूज हो जाता है तो आप नॉट के साथ इसको टाइट कर सकते हो। कुछ इस तरह के पैंट के ऊपर कुछ इस तरह के जिगजैग जो है कुछ इस तरह के जो है वो प्रिंट हो रखे हैं जो कि वंस अगेन बहुत प्यारा है। तो मैं तो इसको भैया, और नीचे से कुछ इस तरह का कट है, बट मैं जो हूं ना दोस्तों इसका तो बॉटम कट कराने वाली हूँ। अब थोड़ा सा मैं क्योंकि शॉर्ट बॉटम पहनती हूँ तो मैं शॉर्ट इसको नीचे से कट कराने वाली हूँ। मैं इसके गई और पहन के यूं आई दोस्तों। एक्चुअली ये कुर्ता बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारा, बहुत फाइन कॉटन है, बट पता नहीं जब मैं एक्चुअली जब इसे जब पहनी ना तो मेरे ऊपर इतना खिला नहीं, जबकि कलर बहुत प्यारा है, फिटिंग इतना परफेक्ट है कि लगता है जैसे कि आप अपने फिटिंग का जो है ना वो आप स्टिच कराए हो, बट मेरे ऊपर ये खिला नहीं। गुड्डू को ये बहुत पसंद आया कि बोले मुझे कि छवि ये कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, बट मेरे ऊपर खिला ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस कुर्ता को मैं रिटर्न कर दूँ क्योंकि खिला नहीं है ना। आप बताइए कि मेरे ऊपर कैसा दिख रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की, और जो ये नेक्स्ट और लास्ट कुर्ता सेट है वो है भैया, ये भी मीशो के ऊपर बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग है, और मैं इसको कब से सोच रही थी परचेज करने का, 3-4 बार से तो सोच ही रही थी, और बार बार मैं सोचती थी अरे नहीं कोई नहीं अगले बार करूंगी अगले बार करूंगी, बट इस चक्कर में ये रह जाता था। बट इस बार मैं सोची हूँ कि भैया इस बार तो मैं परचेज कर ही लेती हूँ। कलर मेरे पास है भी नहीं। जहां तक फैब्रिक की बात करती हूँ तो प्योर कॉटन फैब्रिक है, बहुत ज्यादा फाइन फैब्रिक है, कुछ इस तरह का पूरे में ना ये आपको जो है ना साइड से स्लिट भी आपको मिलता है, कुछ इस तरह का साइड में आपको लॉन्ग स्लिट मिलता है, और फ्रंट में आपको फ्रॉक पैटर्न भी मिलता है। यानी कि ये ना आपको दोनों का फिलिंग देता है, यहाँ से फ्रॉक का और यहाँ से साइड में आपको लॉन्ग स्लिट मिलता है, और नीचे कुछ इस तरह की जो है ना आपको कुछ इस तरह की डोरी मिलती है कुछ इस तरह की, ओके। और ये फ्रंट में नेक के ऊपर ना पूरे में जो है बहुत फाइन काम किया हुआ है, सिल्वर कलर के जो है ना जरी से जो है बहुत फाइन काम किया हुआ है। अगर आपको मन में डाउट होगा कि नहीं आपके नेक के ऊपर चुभने वाला है तो एकदम नहीं चुभने वाला है, क्योंकि पीछे से कुछ इस तरह का पहले एक फैब्रिक है उसके ऊपर जो है ये वर्क किया हुआ है, यानी कि ये कपड़े के ऊपर ये पैच वर्क करके डाला हुआ है ताकि आपके नेक को चुभा ना हो, ताकि आपके नेक में ना चुभे। तो सेलर ने एकदम छोटे छोटे बारीकियों के ऊपर ध्यान रखा है। 3/4 स्लिप्स मिलता है, और स्लिप्स के ऊपर भी कुछ इस तरह का जो है आपको वर्क किया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा फाइन है,
तो कुछ इस तरह का है और बैक में आपको पूरे में कुछ इस तरह का जो है आपको लहरिया मिल जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है दोस्तों, जो कि आप आराम से किसी भी पार्टी वार्टी छोटी मोटी जो गेट टुगेदर है फैमिली गेट टुगेदर उसमें, ऑफिस के गेट टुगेदर में, या फिर डेली वेयर में अगर आप चाहे तो आप ऑफिस में पहन के जा सकते हो, किसी को गिफ्ट करना हो तो भी ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है एक्चुअली दोस्तों। इसके जो साइड में स्लिट के ऊपर जो ये वर्क किया हुआ है ना वो भी बहुत मुझे फाइन लगा है, तो कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो भाई मीशो में बॉटम बहुत किस्मत से अच्छा मिलता है, बॉटम का फैब्रिक बहुत ही गंदा है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, एकदम बेकार है बॉटम का फैब्रिक, मींस बहुत 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 गंदा लगा है। तो अगर आप मींस परचेज करते भी हो ना इस कुर्ते को दोस्तों, तो आप मेरे अगर जैसे हो तो आप इस बॉटम को पहन ही नहीं सकते हो, मेरे जैसे क्या कोई भी इस बॉटम को नहीं पहन सकता है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत गंदा है। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में नहीं आता है कि भैया जो कुर्ता खरीदेगा उसको बॉटम की भी तो आवश्यकता है ना, पता नहीं सेलर ये सोचते क्यों नहीं है। और बॉटम में बहुत ज्यादा मींस मीशो के ऊपर बॉटम आपको अच्छा नहीं मिलता है, बहुत रेयर बॉटम मिलता है, तो अभी तक जो भी मैं कुर्ता दिखलाई थी सबके मुझे बॉटम अच्छे लगे थे जी। अगर आप फ्यूचर में पहने देखोगे इस कुर्ता को तो इसके बॉटम के साथ तो आप पहने नहीं देखोगे, मुझे मेरे पास जो व्हाइट कलर का पैंट है मैं उसके साथ पहनूंगी या फिर व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ पहनूंगी, बट इसका एकदम बेकार कुर्ता आप परचेज कर सकते हो अगर कुर्ता आपको पसंद आया तो। अगर आपके पास व्हाइट कलर का बॉटम है तो आप बॉटम के साथ पेयर कर सकते हो, व्हाइट बॉटम तो भैया हम सबके पास होता है, तो क्योंकि कुर्ता का फैब्रिक बहुत प्यारा है बहुत अच्छा है तो आप कुर्ता के साथ तो जा ही सकते हो। तो चलिए जल्दी से जाती हूँ इसी से ये पहन के आपको दिखलाती हूँ कि मैं लगती कैसी हूँ। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो मैं इसके बॉटम के साथ ही पहनी हूँ, इसके बॉटम का फैब्रिक मुझे एकदम बेकार लगा था, बट कुर्ता पहनी हूँ तो मेरे ऊपर मुझे बहुत स्मार्ट लगा था, बहुत कंफर्टेबल लगा था। मैं वंस अगेन आपको बताती हूँ मीशो के ऊपर अपना आपका जो बस्ट साइज़ है उससे एक साइज़ आप बड़ा लेंगी तभी आपको सही फिटिंग मिलेगा। तो आपने सारे कुर्ता को देख लिया ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा और सबसे बेकार कौन सा लगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि नंबर वन पे मुझे सबसे खूबसूरत कौन सा लगा है तो मुझे सबसे प्यारा ये लगा है, इसे मैं 10 में 10 देने वाली हूँ, आंख बंद करके आप इसके साथ जा सकते हो दोस्तों। सेकेंड नंबर में अगर आप मुझसे पूछते हो तो सेकेंड में मुझे ये, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं आपको क्लियर बता दूं मुझे ये कुर्ता बहुत प्यारा लगा है एक्चुअली, बहुत स्मार्ट कुर्ता है, कोई नहीं कहेगा कि इतने सस्ते में आपने इसको परचेज किया है, बट मैं सेकेंड नंबर पे इसको इसलिए नहीं रखना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि इसका बॉटम बहुत बेकार है, बट अगर आप बॉटम को हटा देते हो तो ये कुर्ता बहुत प्यारा है, आप इसके साथ जा सकते हो ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर पे मैं इसे भी रखती हूँ, इसको 10 में मैं 8 दे रही हूँ इसलिए क्योंकि इसका बॉटम गंदा है, अभी सेकेंड पे मैं इसे भी रख रही हूँ दोस्तों ठीक है। आप इसको थर्ड पकड़ लो, इसको सेकेंड पकड़ लो, आपकी मर्जी। तो ये जो है ना मुझसे अगर पूछते हो तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत बहुत, इसका दुपट्टा, इसका बॉटम, इसका कुर्ता, तीनों बहुत अच्छा है, तो मैं सेकेंड नंबर पे इसे रखती हूँ पिंक वाले को, थर्ड नंबर पे ये पर्पल वाले को रखती हूँ क्योंकि इसका बॉटम अच्छा नहीं है। अब बात कर लेती हूँ थर्ड नंबर पे डालने की, तो थर्ड नंबर पे ये मैं ब्लैक वाले को डाल रही हूँ इसका, क्योंकि बॉटम भी बहुत प्यारा है एक्चुअली। ये ऐसा कुर्ता है जिसको आप पार्टी वेयर में छोटे मोटे गेट टुगेदर में पहन सकते हो, इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, और तीनों सेट है तो आपको भटकने की भी आवश्यकता नहीं है कि दुपट्टा कहाँ से लेना है ये करूँ। तो फोर्थ नंबर पे मैं इसको रखी हूँ, फिफ्थ नंबर पे मैं इसे रखी हूँ, ये इसलिए नहीं कि इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, बहुत फाइन फैब्रिक है, बहुत खूबसूरत है, बट मैं फिर भी किसी ना किसी को तो फिफ्थ पे रखना था तो मैं इसे फिफ्थ पे डाल दी हूँ। और आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए, और हाँ आप सबके बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि मैं कौन से साइज का पहनती हूँ, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी रहती हूँ, जो भी मैं आपको सूट दिखलाई हूँ अभी तक सब एल साइज में दिखलाई हूँ, यानी कि लार्ज साइज में दिखलाई हूँ। मीशो के ऊपर अगर आप जब भी शॉपिंग करते हो तो आपको एक मैं
फ्री में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती हूँ कि मीशो के ऊपर जब भी आप शॉपिंग करते हो तो अपने साइज से एक साइज बड़ा शॉपिंग कीजिए। मैं मोस्टली वेयर करती हूँ मीडियम साइज का, बट जब भी मैं मीशो के ऊपर शॉपिंग करती हूँ तो मैं एल साइज प्रेफर करती हूँ, यानी कि एक साइज बड़ा। तो अगर आप स्मॉल परचेज स्मॉल पहनते हो तो आप मीडियम लीजिए, मीडियम पहनते हो तो लार्ज, लार्ज लेते हो तो आप एक्सेल परचेज कीजिए, तो आपके लिए सही रहने वाला है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया हो। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।